तो फाइनली 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 मैं आ चुका हूँ भाई अपने घर में। लुंगी लगाकर मतलब वैसे ही टहल रहा था मैं। अब क्या करूँ यार, अपने घर पे कौन कपड़े पहनता है, मतलब पूरे कपड़े नहीं पहनता टाइम टाइम पे यार, होती रहती है। अपन के पास ये दो गाड़ियाँ हैं गाइस। खैर अभी के लिए हम चलने वाले हैं चोरी करने, क्योंकि यार यहाँ पे कुछ खाने के लिए है नहीं और हम भूखे मर रहे हैं। तो भाई जल्दी से चोरी करना जाना पड़ेगा। बट यार उसके लिए मैं थोड़ा आइडिया वगैरह लगा लेता हूँ कि भाई अगर मैं चोरी करने चलूँगा तो पुलिस तो पकड़ेगी ही पकड़ेगी। अब जिसकी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां भाई खो जाएगी वो तो एक FIR करेगा ही, और FIR में पुलिस भी हमारी जम करके पिटैया करेगी। तो भाई उससे बचने के लिए हमें अपना शातिर दिमाग लगा करके ही चोरी करनी पड़ेगी। तो चलो जल्दी से मैं पहले स्नान करता हूँ भाई, उसके बाद माइंड फ्रेश होगा एंड चलेंगे भाई। ये देखो अपना डोगी ये खड़ा है, ये जब मैं जाता हूँ ना चोरी करने तो ये अपना घर वगैरह देखने के काम में आता है। खैर इसको मैंने हाय करा बट ये बोल नहीं रहा है, ये खड़ा है। बट ये भाई बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अपन लोगों की। तो चलो यार मैं कहाँ जा रहा हूँ भाई, मैं जा रहा था नहाने के लिए। तो चलो मैं नहाता हूँ, बट इधर देख ले किचन में भाई, देख लो कुल सारी चीज़ें यहाँ पर खाली हुई पड़ी हैं। अब मैं क्या ही करूँगा बताओ। चलो जल्दी से ये रहा भाई अपना नहाने वाला सिस्टम का, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई अपन का सिस्टम। तो चलो पहले नहाते हैं भाई, देख रहे हो पानी कितना ठंडा ठंडा आ रहा है। वाह 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 मज़ा ही आ गया भाई नहा करके। अब जल्दी से चलते हैं गाइस, इतना नहा लिया भाई, इतनी ज़्यादा गर्मी में और इतना ठंडा ठंडा माहौल, भाई मज़ा ही आ जाता है, मतलब फुल मज़ा। अब भाई नहा लिया मैंने, चलो जल्दी से चलता हूँ भाई अपने कपड़े बदलता हूँ। और फाइनली आ चुका हूँ भाई मैं अपने छपरी वाले लुक में, मतलब छपरी वाला नहीं भाई, इसको प्रोफेशनल लुक बोलेंगे, क्योंकि तुमने देखा ना मैं अभी वैसे ही टहल रहा था। बाकी अभी मैंने अपने कपड़े वगैरह पहन लिए भाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब देखो मेरे फेस को भाई, लग रहा हूँ ना बिल्कुल हीरो। अरे यार हीरो तो हूँ ही मैं भाई, देखो भले ही चोरी वगैरह करनी पड़ जाए भाई खाने के लिए, बट हीरो तो हूँ ही मैं। तो चलो भाई जल्दी से निकलता हूँ, बट यार मैं गाड़ी लेकर के चलूँगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि चोरी करने में अगर तुम पैदल जा रहे हो तो भाई फिर तो ये गंदी बात हुई गाइस। देखो अगर गाड़ी लेकर के चलता हूँ यार, कौन पैदल चलेगा भाई, ये तो पूरी सीधा सीधा पागलपंती है गाइस। जब अपन के पास दो गाड़ियाँ पड़ी है भाई, एक टू व्हीलर एक फोर व्हीलर, और दोनों ग्रीन है भाई। अब तुम ये मत बोलना कि ये छपरी वाली बाइक है। अब लेकर के चलता हूँ, बट भाई अगर किसी ने पकड़ लिया तो मेरी बाइक भी चली जाएगी भाई। अगर चोरी नहीं कर पाया मैंने, मतलब चोरी करूँगा तो उस गाड़ी को कैसे लेकर के आऊँगा, बाइक तो वहीं पर रह जाएगी। खैर भाई बाइक को छोड़ते हैं, अपन पैदल चलेंगे। तो चलो भाई पैदल चलते हैं, क्योंकि चोरी करते टाइम, बट मैं कुछ भूल रहा हूँ भाई, मेरा डोगी मेरा घर कौन रखाएगा भाई, अभी मैं दूसरे के घर पे जा रहा हूँ चोरी करने, कोई मेरे घर चोरी कर ले। चलो भाई ये रहा अपना डोगी, हेलो हेलो ब्रो हेलो। चलो तुम घर को रखाओ यार, तुम बाहर अंदर क्या कर रहे हो तुम। तो चलो भाई फाइनली मैंने अपने डोगी को ले लिया है और इसको ले करके चलते हैं जल्दी से, और इसको एक ऐसी जगह पे लगाऊंगा जहाँ से ये हमारे पूरे घर को भी देख सके और हमारी गाड़ी वगैरह भी ना चोरी हो। उसके लिए ये वाली जगह बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो डोगी तुम्हें यहीं पर बैठकर हमारे घर को पूरी तरह से एक्सप्लोर करनी है, मतलब देखते रहना है। मेरे घर में कोई चोर वगैरह आया तो उसको कस के काट लेना, ठीक है। मैं जा रहा हूँ, देखो मैं तुम्हें फिर से समझा दे रहा हूँ भाई, कोई घर में कुछ चोरी वगैरह ना कर पाए। तो चलो भाई फाइनली मैंने डोगी को समझा दिया है अच्छे से, अब वो अपना घर की रखवाली वगैरह करता रहेगा। बाकी हम लोग चलते हैं चोरी करने, और तभी यार अब चोरी करने जा रहा हूँ तो थोड़ा खा पी लेता हूँ भाई, नहीं तो अगर रास्ते में दौड़ा भाड़ा लिया तो पता नहीं कब 3-4 दिन तक मैं भागते रहूँगा तो भूख भी लग जाएगी बहुत ज़्यादा। इसलिए गाइस मैंने ऑर्डर दे दिया है और हमारा भोजन तैयार हो चुका है हमारे टेबल पे। चलो जल्दी से बैठते हैं भाई, आज मैं वहाँ पे उसके बगल में बैठकर नहीं खाऊंगा, मैं अकेले आया हूँ तो अकेले ही भोजन खाऊंगा। बाकी भाई वाओ भोजन तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, मच्छ भाई वाओ क्या ही मज़ा आ गया। खैर अगर मैं यहीं पे खा लूँगा बहुत ज़्यादा तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, माग वाग नहीं पाऊँगा मैं, इसलिए भाई अभी के लिए यहीं पर इतना ही भोजन। बाकी चलो चलता हूँ मैं जल्दी से भाई, अभी तो चोरी भी बहुत ज़्यादा करनी है मेरे को। ऑल राइट गाइज, तो भाई फाइनली बहुत देर के बाद मुझे एक पिंक कलर की फोर व्हीलर मिली है, ये पक्का किसी पापा की परी की होगी भाई। अबे भाई एक लड़की भी जा रही है, अबे मैं तो साइकिल चलाने आया था, ये मेरी साइकिल यहीं पे खड़ी थी भाई, इसको लेने आया था मैं भाई, लड़की गई उधर गई भाई जाने तो इसको। हाँ तो मैं बोल रहा था गाइज ये ना पक्का पापा की परी की होगी भाई, ये मतलब ऐसा कलर कौन कौन बंदा पसंद करता है भाई, पिंक कलर बंदे नहीं पसंद करते भाई, वो पक्का लड़की होगी। खैर चलो हमें क्या, हम तो चुरा करके बेचनी ही है आखिरकार। तो चलो फाइनली भाई हमने गाड़ी को चुरा लिया है और भाई पूरी स्पीड से निकलते हैं भाई। पुलिस वगैरह भी अगर वो कंप्लेन करेगी ना भाई, देख ली होगी तो पुलिस वगैरह भी हमारी जम करके पिटैया करेगी। तो भाई जल्दी से मुझे यहाँ से निकलना होगा और कहीं दूर पे चलना होगा भाई, क्योंकि अगर मैं यहीं पे यहाँ उधर उधर करते रहूँगा तो भाई मारा जाऊँगा। ऑल राइट गाइस, तो हमने गाड़ी को उसके हवाले लगा दिया है भाई, हमने गाड़ी को चुरा दिया है। और ये रहा गाइस अपना
एंटीला कुछ भी बोलो यार, एंटीला फैंटीला कुछ भी बोलो भाई, ये अपना जो घर है ना वो ये पावरफुल है, मतलब मज़ा आ जाता है भाई इसमें रहने में। और खासकर मैंने इसको यहाँ पर इसलिए बनवाया है पहाड़ों के बीच में, ताकि कोई भी पुलिस वगैरह यहाँ पर ना आ पाए और मैं यहाँ पर बिल्कुल सेफ रहूँगा। तो भाई यहाँ पर दिखाऊँ मैं तुम्हें, तो इसे लग्जेरियस है भाई, ये तुम्हें लक्कड़ का लग रहा होगा बट अंदर से देखो भाई, ये देखो अपने सोफा वोफा लगा है भाई, आराम से यहाँ पर बैठो और मज़े लो, यहाँ पर अपनी मीटिंग वगैरह करो चोर चंडाल को ला करके। बाकी यहाँ पे वैसे पे अभी तो मैं अकेला ही आया हूँ, बाकी मेरे भी अभी गैंग बनानी है गाइस बहुत बड़ी, वो नेक्स्ट पार्ट वगैरह में बनाऊँगा भाई। ये पूरा फीलिंग आ रही है राजा वाली। खैर इस घर के बारे में किसी को खास पता है नहीं, तो भाई चलो ऊपर चलता हूँ, क्योंकि यार देखो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है और अभी मैंने चोरी करके आई है और पुलिस तो पक्का पीछे पड़ी होगी भाई, वो पक्का FIR भी दर्ज करवा दिया होगा। बट यार यहाँ से व्यू क्या ही खतरनाक आ रहा है। खैर गाइस इतना पैसा भाई दे करके बनाया है तो व्यू तो आएगा ही। तो भाई मैं अभी बहुत ऊपर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसी वाले पे चलता हूँ भाई और फटाक से अपने भाई कपड़े वगैरह बदलता हूँ एंड चल करके भाई पहले नहाता हूँ। देखो अब इतनी गर्मी में भाई इतना दौड़ धूप करना मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है भाई। मैं नहा करके गया था, फिर मैं आते भी नहाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भाई मुझे को गर्मी लग रही थी, तो नहाना तो बनता है भाई। देखो ये काम करना सबसे ज़्यादा अति आवश्यक है। बाकी देखते हैं गाइस, मज़ा तो भाई बहुत आ रहा है और देखते क्या होता है। तो भाई सुबह हो गया, क्या मेरे को उठना चाहिए? खैर अभी भाई सुबह हो गई और वैसे तो अभी घर में कुछ है नहीं। चलो पहले बाहर से लाती हूँ, उसके बाद तो कुछ होगा ना भाई, पूरा रूम खाली है और मेरा रसोई घर भी पूरी तरह से खाली है, कुछ है नहीं। और मैं बाहर चलती हूँ भाई कुछ लाने के लिए, अन्यथा मैं भूखे ही मरूंगी और इतनी महंगाई में कुछ मिल नहीं रहा। अरे मेरी गाड़ी कौन चोरी कर लिया? साइकिल तो है बट गाड़ी मैं तो अकेले ही रहती थी। अबे भाई मेरी गाड़ी कौन चोरी कर ले गया? साइकिल ही है, अब तो मेरे को FIR करना पड़ेगा मेरी गाड़ी। जल्दी से चलता हूँ भाई पुलिस स्टेशन पे, नहीं तो वो मेरी गाड़ी को बेच बाज देगा तो फिर कैसे हो पाएगा। अरे मैम मेरी गाड़ी चोरी कर ले किसी ने। अबे ओके ओके हाय हुए मत करो मैम, मेरी गाड़ी चोरी हो गई और जल्दी से जल्दी तुम्हें बचा सकते हो उसे, प्लीज़ उसको पकड़ो, वही मेरे पास एक गाड़ी थी। हाँ ठीक है मैम, जल्दी से जल्दी कॉल करो उसके पास एंड बताओ उसको, नहीं तो वो लेकर के बहुत दूर भाग जाएगा। अबे ये किसका मैसेज आ रहा है भाई, अबे किसकी गाड़ी चोरी हो गई? ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई भाई मेरे पास। और मैं अभी घर पे बैठ के यहाँ पे मेकअप वगैरह कर रही थी, तभी भाई साहब आ जाती है उसका मैसेज। अब इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी पड़ेगी, अन्यथा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा और मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान पड़ी हूँ भाई। जल्दी से चल करके मैं अपने ड्रेस को बदलती हूँ। ऑल राइट, तो हमने अपना ड्रेस को पहन लिया, चलो जल्दी से चलते हैं उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि यार काम बहुत ज़्यादा खतरे वाला हो सकता है अपन का। और मैंने ड्रेस तो पहन लिया बट वो मिलेगा कहाँ पे? चलो गाड़ी तो हमें थाने पे मिलेगी, तो चलते हैं थाने पे। ऑल राइट, तो हमने पहुँच गया, क्या हुआ सारी केस के बारे में हम डिटेल से जानते हैं, बाकी केस का मुजरा हमें अंदर मिल जाएगा। ओके ठीक है मैं जा रही हूँ अंदर ही, फिर उसके बाद अंदर चलती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने अपनी एक डायरी रखी थी, खैर ये रही मेरी डायरी की बुके। वे यहाँ पर नहीं, वो रही डायरी, ओ सॉरी ये नहीं देगा भाई, चलो मेरे को यहीं पर चल करके बैठना पड़ेगा। खैर यार मेरे को जल्दी से लेकर के चलना पड़ेगा। ऑल राइट, तो हमने सारा अपना मिशन कंप्लीट कर लिया, मतलब कंप्लीट कर लिया भाई, डायरी की ज़रूरत नहीं है, हमें सारी चीज़ें याद आ जाती हैं इस कुर्सी पर बैठने के बाद। और वो देखो कैसे देख रहा है मेरे को भाई, अपन बहुत खतरनाक काम करती है, देखो कैसे उसको पकड़ेगी। ओके मैं जा रही हूँ मैम अभी के लिए, अपनी गाड़ी लेकर के जाती हूँ और उसको पकड़ करके भी तो लाना है ना जल्द से जल्द। ऑल राइट, तो मैं जा रही हूँ जल्दी से, देखती हूँ कैदी मुझसे बच ही नहीं सकता, और ये मेरी फेवरेट बाइक है और इसी से मैं जाती हूँ कैदियों को पकड़ने के लिए। और इस बार तो उसको बहुत खतरनाक तरीके से पकड़ूंगी एंड उसकी पिटैया भी करूंगी जम करके। अभी लेकर के आती हूँ थाने में, उसको पकड़ने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ऑल राइट, तो अभी के लिए मैं पहुंच चुकी हूँ उस वाले लोकेशन पे। यहाँ का लोकेशन मुझे कोई दिया था कि यहाँ पर एक चोर रहता है बहुत दिन से, जो कि इस एरिया में उन सबका भी जीना हराम कर दिया था। तो वो गाड़ी को कहाँ पर रखा है मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बट मेरे को जहाँ तक उसका लोकेशन मिला है, ये जो एंटलिया फैंटलिया कुछ भी है दिख रहा है ना, इसके वो ऊपर से सेकंड वाले फ्लोर पे है, मतलब नीचे से मुझे जानी है सबसे ऊपर और लास्ट में जो सबसे ऊपर बचेगा उसके जस्ट नीचे वाले फ्लोर पे है वो। तो जल्दी से चल करके मेरे को उसको पकड़ना पड़ेगा, उसे भी खतरनाक जगह पे उसने अपना घर बनाया है, यहाँ पर कहा क्यों ही पुलिस पहुँच पाती। बाकी हमें पूरा लोकेशन बिल्कुल क्लियर मिला है, तो जल्दी से मैं चलूँगी वहीं पे, क्योंकि वो मुझे वहीं पे मिलेगा और उसको पकड़ करके मैं जब्त करूँगी। कुछ भी कर रहा हो वो, कुछ भी कर रहा हो मतलब वो अब कुछ भी कर सकता है अपने घर में। हाँ ये रहा फर्स्ट वाले फ्लोर मतलब सबसे ऊपर वाले का,
और ये रहा सेकंड वाला, मतलब ऊपर से सेकंड वाला। तो ये बंदा कहाँ है, ये रहा भाई, ये बैठा है, तो इसको पकड़ना पड़ेगा। ओह इसके बाड़ने में सीधा कूद जाते, अभी हाय बोल रहा है ये, हाय वाय मत कर, अब चलेगा ना तो जो जेल में, फिर तेरे को पता चलेगा वहाँ पे सब हाय वाय का मतलब क्या होता है, चोर कहीं का। अबे चल जल्दी उठा कर ले चलूंगी मैं तेरे को, नहीं चलेगा तू खुद से, तू तेरे को क्या लगा मैं नहीं ले करके चल पाऊंगी, ना 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 कपड़े पड़े नहीं पहनने देगी मैं, चल अब चल, तू जैसे चोरी की है ना वैसे ही चल, अब कपड़े नहीं पहनने देती भाया मैं, चल चल तेरे को बहुत मजा आना है ना मेरे गोद में, तू बहुत असली लौंडा भी है ना, इसका भी केस लगेगा तेरे ऊपर, अभी सारी हेकड़ी और अकड़ तेरी निकल जाएगी, चल नीचे तू, फिर मिलती हूँ तेरे को। ऑल राइट, ये देखो मैम मुझे कैदियों को पकड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, चोर हो चंडाल हो या बदमाश हो कुछ भी हो मेरे को पकड़ने में टाइम नहीं लगता। ओके ओके जा रही हूँ जेल में डाल दूंगी ना मैम, ओके मैं समझ गई, बुरी बातें समझ गई मैं, ठीक है लेकर के जाल जेल में डाल दे रही हूँ और उसको बता भी दूंगी कि इसकी भैया जम करके पिटाई करियो। अब देखो ये जो तू हथौड़े लेकर के खड़ा है ना हाथ में, उसी से इसके सर में मार मार करके फोड़नी है। अब मेरे को अंदर कैसे जाना, दरवाजा खोल दे तू। भैया क्या दरवाजा खुला है, बताना चाहिए था, ठीक है मैं डाल दे रहा हूँ इसको। अब बेटा चल तू पड़ा चुका है जेल में, अब जैसे उसकी गाड़ी चोरी करी थी उसी तरीके से भाई तू उसका पैसा दे या फिर उसको नई गाड़ी दे, मतलब उसकी गाड़ी तूने किया क्या वो बता, अन्यथा इसी जेल में सड़ेगा। बाकी देख अब तू गाड़ी का पैसा भी देगा, जुर्माना भी देगा, प्लस जेल भी काटेगा क्योंकि तूने बहुत गंदी बात करी है, मतलब चोरी करी है, और तू जेलर इसको देखते रहियो, अगर ये जेल से फरार हुआ तो सारा जुर्माना और पैसा तू देगा क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, इसको पकड़ने में मेरे को पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़े, ठीक है समझ गया ना तू मैं कहना क्या चाह रही हूँ, अगर ये गया तो फिर तो तेरी जमकर के पिटाई होने वाली है। अब मैं जाती हूँ और भी शहर में घूम टहर करके देखूंगी, कोई चलान वगैरह काटूंगी अगर कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा होगा तो। बाकी चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तकली बाय।